केविन ओवंस तो इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन लिव मॉर्गन भी इंजर्ड हो गई है। डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई है। लिव मॉर्गन के लंबे समय तक आउट ऑफ एक्शन रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से इस हफ्ते रोमेक कंपनी ने रिया रिपली और लिव मॉर्गन का एंगल दिखाया था, उस तरह का एंगल कंपनी तब तक नहीं दिखाती जब तक इंजरी सीरियस ना हो। आफ्टर ऑल लिव मॉर्गन उस सेगमेंट के दौरान बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच हुए थे, अब इस साल भी होंगे या नहीं इस पर एक अपडेट सामने आया है। रिंग साइड न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस समय कंपनी इस साल भी सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच करने का प्लान बना रही है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। समर स्लैम में ग्रेसन वॉलर का एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है। WRKD रेसलिंग के अकॉर्डिंग समर स्लैम में ग्रेसन वॉलर और एक WWE लेजेंड के बीच सेगमेंट करने का आइडिया पिच किया है। हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये एक आइडिया पिच किया है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के ओर। लिव मॉर्गन और केविन ओवंस तो इंजर्ड हो गए हैं, अब लिव मॉर्गन और केविन ओवंस के इंजरी के कारण क्या कंपनी समर स्लैम के प्लान्स में चेंजेस करेगी या नहीं इस पर एक अपडेट सामने आया है। रिंग साइड न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन और केविन ओवंस के इंजरी के कारण समर स्लैम के प्लान्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। कंपनी फिलहाल तो अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही समर स्लैम में जाना चाहती है। तो इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।